के ताकि क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ाया जाए और आतंक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर सामना किया जा सके। खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आपने चांदन तक का तो व्लॉग देखा था। अब हम यहाँ से बार म्यूजियम जाएंगे, वहाँ का जो कुछ भी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और बने रहना एंड तक। तो फिर हम पहुँच गए हैं जैसलमेर वार म्यूजियम और यहाँ पे भैया एंट्री टिकट ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि हम चारों पांचों का ही टिकट लगा था, आईपाल और स्वाई का नहीं लगा, बच्चे थे। और उन्होंने बोला भी था कि अगर आपके पास BSF कार्ड है तो फिर फ्री भी हो जाएगा। बट क्या है ना कि हम मतलब पापा का कार्ड वगैरह ये सब हमें याद ही नहीं आया, तो बाकी हम यहाँ पे फ्री घूम आते। तो फिर सबसे पहले हमने आते यहाँ पे 20 मिनट की मूवी थी वो देखी, क्योंकि अगर हम शाम के टाइम आते तो फिर यहाँ पे हमें 1.5 घंटे की मूवी थी वो देखने को मिलती, क्योंकि वो शाम को ही चलती है। तो हमने बस ये 20 मिनट वाली देखी। सुरक्षा होती है किसके हाथों में? जब भारत चैन की नींद सोता है तो कौन जागता रहता है? संकट के समय में आपका हाथ कौन थामता है? चिरकाल से भारतीय सैनिक सम्मान, साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक रहा है। 100 साल यहाँ मैं ना मूवी साथ में मतलब वीडियो डाल रही हूँ, क्या पता इसमें कॉपीराइट आ जाए तो मुझे ये वापस अपलोड करना ना पड़े। मुझे इतना सब पता नहीं है तो ऐसे ही मैं अपलोड कर रही हूँ। और मुझे ये मतलब मूवी देखते देखते इतना प्राउड फील हो रहा था, क्या बताऊँ यार। सच में मन कर रहा था कि यार मैं जो मतलब 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाक का और 1962 वाला, तो उस टाइम मैं कहाँ थी यार। मुझे मन कर रहा है कि मैं चली जाती वहाँ पर, मेरा मतलब ना ऐसे रो खड़े हो जाते हैं देखती हूँ ना। तो सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक सैनिक की पोती और सैनिक की बेटी हूँ। सच में बहुत प्राउड फील होता है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट मेरा तो बस डिफेंस और आर्मी फोर्स में ही जाने का मन है। बट मेरे अंगूठे की वजह से मैं इसके बारे में मतलब ट्राई भी नहीं, सोच भी नहीं सकती हूँ। बट मेरा मन बहुत करता है कि मैं भी जाऊँ यार बॉर्डर पे। हमारी मातृभूमि को 1962 में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब 14,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हमें उस दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसकी संख्या हमसे कई सौ गुना ज्यादा थी। लेकिन हमारे ये वीर योद्धा डटे रहे और देश के सम्मान के लिए जूझते रहे। इनके
मुझे ये 1962 वाले वर्णन के टाइम बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे दादा साहब परमवीर मेजर सैतान सिंह का वर्णन हो रहा था हमारे गांव के बारे में। यही है कि मतलब इनके नाम से ही हमारा गांव का नाम रखा गया है, और इनके जो बलिदान और इनके त्याग के बारे में जो कुछ भी वर्णन हुआ, तो उस टाइम मुझे सच में ऐसे मतलब प्राउड फील हो रहा था। क्या बताऊँ, इन वीरों की शानदार सफलता को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि मानवता के सिद्धांतों को कायम करने के लिए देश की सेवा में ये लड़े, और इन्होंने अत्याचार से पीड़ित हमारे पड़ोसी को आजादी दिलाई। 1984 में उदाहरण पेश किया, चंद सैनिकों ने पृथ्वी के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले युद्ध मोर्चे पर कब्जा कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंची रणभूमि है, और हमारे इन नायकों ने उसे हासिल करने के लिए अपना खून बहाया। नई सहस्त्राब्दी शुरू होने से पहले ही एक बार फिर भारत को चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे वीर सैनिकों ने 1999 के करगिल युद्ध में अपने साहस से देश का गौरव बढ़ाया। करगिल युद्ध में न केवल हमने शानदार जीत हासिल की, बल्कि जिन योद्धाओं ने ये जीत दिलाई थी उनका नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया, और उन्होंने युवा सैनिकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित भी किया। आज हमारे सैनिकों के सामने बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों वाली एक पूर्ण रूप से नई दुनिया है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाया जाए और आतंक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर सामना किया जा सके। लेकिन भारतीय सेना के हर सैनिक के अंदर मौजूद जो अविजित जोश है, उसे पाना आसान नहीं। हमारे सैनिकों को अपने दिमाग और शरीर को शारीरिक और मानसिक फिटनेस के चरम तक पहुंचाना होता है। हर सैनिक जानता है कि उसे जीवन भर सामर्थ्यवान प्रशिक्षण करना होगा, और एक सैनिक के रूप में लगातार अपनी योग्यता को निखारना होगा, ताकि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सज्जित रहे। भारतीय सैनिक के लिए राष्ट्र की सेवा का मतलब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जब 2013 में उत्तराखंड में और 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ रहे थे, तो भारतीय सेना के इन्हीं बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने मानवीय मदद और राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रकृति से संघर्ष किया था, और कई भारतीयों की सहायता की थी। अचानक हुई भारी बारिश की वजह से जब चेन्नई के सामने जलमग्न होने का खतरा पैदा हुआ, तो भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया कि किसी संकट की स्थिति में वही सबसे तेजी से ऐसी किसी जगह पहुंच सकते हैं। चेन्नई के लोगों के दिलों में भारतीय सेना की बहादुरी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया, और इस साल हमारे सैनिक योग के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारतीयों के साथ जुड़े। भारत के ये साहसी रक्षक साधारण पुरुष और स्त्री नहीं है, देश के लिए असीम प्रेम इनके रगों में बहता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये जीत को मौत के मुंह से भी छीन लेते हैं, और शरीर में खून की आखिरी बूंद रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इन रणबांकुरों के साहस, शौर्य और बलिदान से निर्माण हुआ है इस महान राष्ट्र की मजबूत नींव का। इन्होंने पंख लगाए हैं 100 करोड़ सपनों को, ताकि हम दुनिया भर के देशों में सम्मानपूर्ण स्थान पा सके और गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। 2015 में 85 वीरों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की। इनमें से अर्म बलिदान के लिए इस वीर पुत्री के साथ ही भारत की आंखें भी नम हो गई। वो एक कवि की चंद पंक्तियां गुनगुनाया करते थे, जिनमें किसी भारतीय सैनिक का बलिदान बखूबी नजर आता है। जिंदगी ने बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे।
तो फिर मूवी देखने के बाद हम आ गए बाहर, और यहाँ पे कुछ फोटोज और कुछ स्टेचू वगैरह लगे हुए थे, उन सबको देखा और यहाँ पे भी कुछ फोटो क्लिक किए। और हैंगर खींचा हम बता दे हमको वीडियो नहीं बताए कहीं बताए देखो अच्छा चलो भाई तो फिर ये था जैसलमेर बार म्यूजियम। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए, मतलब अब हम जाएंगे सीधा किले या फिर गढ़ीसर, तो फिर वहाँ का अपडेट देंगे बहुत जल्द।